तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है मध्य एशिया के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है किर्गिस्तान। हाँ दोस्तों, मध्य एशिया के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है किर्गिस्तान। तो दोस्तों चलिए, ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा किर्गिस्तान की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, और ये देश के नाम जो किर्गिज, इसके भाषा का असली रहस्य क्या है, और ये देश कौन से देश के साथ जो है पानी लेकर जो है वार किया है जून 2022 नवंबर में वो वार खत्म हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये देश के अंदर जो है एक आईन पास हुआ है जिसकी मदद से जो है 23 ईयर्स की कोई भी लड़की जो है विदेश यात्रा नहीं कर पाएगा। इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्यों ये देश को मध्य एशिया की स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और ये देश का सबसे बड़ा झील का नाम क्या है, इस देश में यहाँ पर दुल्हन का क्यों यहाँ पर किडनैप किया जाता है, और ये देश के अंदर जो हॉलीडे कब कब यहाँ पर होता है, और कश्मीर मामले में ये देश किसके साथ है, और दुनिया के अंदर जो है सबसे बड़ा टोपी क्या आपने देखे हो। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल में देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों, इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बिल्कुल दबा के ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, मध्य एशिया के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है किर्गिस्तान, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 199.951 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश 85 नंबर पे आ रहा है, जिसके उत्तर में जो है कजाकिस्तान, पूर्व दक्षिण में जो है चीन, और दक्षिण में जो है ताजिकिस्तान, और पश्चिम में जो है उज्बेकिस्तान। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये देश की कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, उसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, उसका लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों चलिए, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं ये देश की राजधानी जहाँ पर इंडियन एम्बेसी स्थित है, इसका लोकेशन के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए राजधानी की तरफ चलते हैं, और राजधानी का नाम जो है बिश्केक। अब यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश का राजधानी, राजधानी का नाम जो है बिश्केक। भाषा की बात करें तो किर्गिज, रशियन, इसके अलावा उज्बेक भाषा में बहुत सारा इंसान जो है यहाँ पर बातें करता है। धर्म की बात करें तो इस्लाम बहुल ये देश, 90% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहता है, और क्रिश्चियन जो है 8%। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ये देश की राजधानी बिश्केक आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, किर्गिज जो तुर्की भाषा से ये आता है, और ये ज्यादातर जो है सुन्नी इस्लाम यूज करता है, और मैं आपको बता दूं ये जो किर्गिज जो भाषा के मतलब है वो जो है 40। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है ऐसे 40 यहाँ पर जो है जाति यहाँ पर स्थित है, जिस जाति लेकर जो है देश को बनाया गया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश की जो घनी आबादी इलाका वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों, एक समय ये जो है रशिया का हिस्सा था या सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन बाद में या 26 दिसंबर 1991 में जो है ये देश सोवियत यूनियन से अलग होकर नया देश बना है, देश का नाम जो है किर्गिस्तान, और नया संविधान जो पास हुआ है 1993 में। आप ध्यान से देख लीजिए, इंडियन दूतावास कहाँ पर है, मैं इसका लोकेशन दिखाने की कोशिश करूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2021 में जो है अप्रैल में जो है पानी लेकर जो है 1991 के बाद जो है सबसे बड़ा वार किया था किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच, जो 2022 में जो है अंत हुआ है नवंबर में। तो दोस्तों हाँ, रशिया जो है यहाँ पर ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान को जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश के रेलवे, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, ये देश में जो है 2013 में जो है एक यहाँ पर आइन पास हुआ है, जिस आइन में कहा गया है 23 ईयर्स की कोई भी लड़की, 23 ईयर्स के नीचे कोई भी लड़की जो है बिना गार्जियन की विदेश यात्रा यहाँ पर नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये आइन यहाँ पर पास हुआ है, और ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये जो है राजधानी के बिल्कुल बाजू में स्थित है, और ये जो है बेस्ट रहने वाला सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, ये देश में लास्ट अपडेट के अनुसार जो है 7 राज्य है और 44 जिला है, और ये देश जो है समुन्दर से बहुत दूर है, कोई भी नदी की पानी जो है ये देश पर नहीं आता है। कभी कभी बहुत सारा देश और इंसान भी कहता है ये जो है मध्य एशिया की स्विट्जरलैंड। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों हाँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हाँ, सोवियत यूनियन के हिसाब से जो है यहाँ पर 9 नंबर पे, और मध्य एशिया की ताजिकिस्तान के बाद द्वितीय सबसे दरिद्र देश जो है ये देश, देश का नाम जो है किर्गिस्तान। तो दोस्तों चलिए, ये देश का सबसे बड़ा झील मैं आपको दिखाऊंगा, जिस झील का नाम जो है इसिक झील। हाँ दोस्तों, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रथा है जो हैरान करने वाला वो प्रथा, क्योंकि यहाँ पर जो है
जो लड़की का विवाह हो गया है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर दुल्हन को यहाँ पर अपहरण किया जाता है, इसके पीछे का रहस्य यहाँ पर एक प्रथा है और वो जो अपहरण बहुत सारा देश और बहुत सारा लोग जो है इसे बेआईनी मानता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो अपहरण करता है वो जो है वो रिश्तेदार की कोई भी लोग। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, वो बड़ा झील मैंने आपको दिखा दिया हूँ, जो झील का नाम जो है इस एक झील मैंने आपको दिखा भी दिया हूँ। तो दोस्तों ये देश का जो झंडा है, झंडा के अंदर जो आपको 40 ऐसे यहाँ पर दाग दिखाई देगा। तो दोस्तों इसके पीछे का कारण है सूर्य से उगता हुआ वो 40 दाग जो है 40 यहाँ पर जाति को समझाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हॉलीडे, हाँ दोस्तों 8 मार्च जो यहाँ पर नारी दिवस होता है, 7 अप्रैल जो यहाँ पर विप्लव दिवस, और 5 मई यहाँ पर श्रमिक दिवस, और 9 मई यहाँ पर विजय दिवस, और 31 अगस्त यहाँ पर स्वाधीनता दिवस पालन किया जाता है। तो दोस्तों ये देश का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर विवादित जगह है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, जो प्रतिवेशी देश के साथ जो है ये सारे जगह लेकर जो है कभी कभी वार भी हुआ है और विवाद पे रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, वो विवादित जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों इस देश का जो जनप्रिय खेल है वो जो है फुटबॉल कुश्ती। इसके अलावा सोवियत यूनियन के समय जो है 50 से ज्यादा यहाँ पर जो है अवार्ड उन्होंने जीत लिया है ये देश। तो दोस्तों ये देश के अंदर इंडियन दूतावास मौजूद है और ये देश की जो दूतावास भारत की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है। कश्मीर मामले में जो है ये देश इंडिया को ही शपथ करता है और यूएन में जो है भारत की स्थायी सदस्यता के लिए जो है ये देश भारत को ही शपथ करता है। ये देख लीजिए, ये देश के और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपना नजर पे आ जाएंगे और यहाँ पर घनी आबादी वाला इलाका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा तो दोस्तों दोनों देश के बीच जो है बहुत सारा एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा ये देश के अंदर महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति है और भारत की तैयार हुआ एक कुछ यहाँ पर अस्पताल यहाँ पर तैयार है और 50 से ज़्यादा यहाँ पर दोनों देश के बीच जो है बैठक हुआ है। तो दोस्तों चलिए, ये देश का जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हाँ, मध्य एशिया के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है किर्गिस्तान, जिसके नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, ये देश का जो नेशनल एंथम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं ये देश की राजधानी बिश्केक आपको नजर पे आ जाएंगे। और इस देश की भाषा की बात करें तो किर्गिज, रशियन और उज्बेक। इसके अलावा इस देश के धर्म की बात करें तो इस्लाम, जहाँ पर 90% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। और इस देश के प्रेसिडेंट की बात करें, हाँ दोस्तों सादरी जापरव इस देश के जो है प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, उसका नाम जो है अकिलबेक जापरव, और स्पीकर ऑफ द सुप्रीम काउंसिल उसका नाम जो है नूरलानबेक शाकिब। आप ध्यान से देख लीजिए, ये सारे इंसान की इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ और पानी की बात करें तो 3.6%, जहाँ पर भारत की यहाँ पर 9%। टोटल GDP यहाँ पर लिख दिया हूँ और यहाँ पर देख लीजिए करेंसी ए भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये देश की जो है ड्राइविंग साइट वो जो है राइट, और इस देश की जो कॉलिंग कोड +996 इस देश की जो है कॉलिंग कोड, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 68 लाख इस देश की पॉपुलेशन और इंडियन जो है 11,000 से ज़्यादातर यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर आता है। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ग्लोबल मैप की मदद से किर्गिस्तान जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, किर्गिस्तान दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, इसका जो ग्लोबल मैप की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। और इंडिया और किर्गिस्तान कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से देख लीजिए। और राजधानी के आसपास बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगह की इमेज मैं आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों, राजधानी बिश्केक की खूबसूरत खूबसूरत जगह की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों एंटीगुआ एंड बारबुडा के साथ ये देश का जो रिश्ता स्टार्ट हुआ है 3 जून 2021 में। पानामा के साथ जो है ये देख लीजिए राजधानी के प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है इस बिश्केक का जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों पानामा की जो है ये देश की जो पैसा वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। पानामा के साथ 24 सितंबर 2021 में जो है रिश्ता स्टार्ट हुआ है। पलाऊ के साथ जो 7 अक्टूबर 2021 में, और मालावी के साथ जो 23 सितंबर 2022 में जो है रिश्ता स्टार्ट हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की जो सरकारी ऑफिस या सरकारी दफ्तर प्रेसिडेंशियल हाउस वो एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ, और पार्लियामेंट में आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ पर देख लीजिए पार्लियामेंट के अंदर कितनी ज़्यादा महिलाएं हैं जो एक हिस्सेदारी है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये देश की जो है बैंक की मैं आपको लोगो दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, ये देश की जो सेंट्रल बैंक उसका लोगो मैंने आपको दिखा दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये देश के बहुत सारा खेला होता है, वो खेला की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। एज है इस देश के पॉपुलर खेला है, इसके अलावा यहाँ पर फुटबॉल भी खेली जाती है। और ये देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, ये जो है ये देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका लोगो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों सरकारी दफ्तर में जो है इस देश की, तो दोस्तों उसका इमेज मैं आपको दिखाऊंगा। जो प्रेसिडेंट है उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर उसका भी इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पीकर ऑफ द सुप्रीम काउंसिल उसका भी इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की कितने राज्य है, कितने जिला है, और आप ध्यान से देख लीजिए ये देश की कौन कौन से हिस्से के अंदर जो है ये देश की विवादित जगह आपको नजर पे आ जाएंगे।
तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज की बात करें तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा कुछ कुछ जगह पर जो यहाँ पर बर्फ ज्यादा ही गिरती है और कुछ कुछ जगह पर जो है रेगिस्तान के इलाके आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश कौन कौन से देश के साथ जो अच्छा रिश्ता रखा है मैं आपको जो है एक ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, जो जो देश यहाँ पर ब्लू आपको नजर पे आ जाएंगे वो देश के साथ जो है देश का अच्छा रिश्ता है, और जो जो देश यहाँ पर शामिल आपको नजर पे आ जाएंगे वो देश के साथ जो है देश का अच्छा रिश्ता उतनी नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए, इंडिया और ये देश का जो रिश्ता बहुत ही गहरा है, क्योंकि हर समय हर इंटरनेशनल मंच पर जो है ये देश इंडिया को सपोर्ट करता है और भारत जो है इस देश को सपोर्ट करता है, और इस देश में फार्मास्यूटिकल बहुत सारा चीज जो है इस देश में जाता है, क्योंकि दवाएं इस देश में बहुत जरूरत है और भारत जो है इसका मदद करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बहुत सारा इंटरनेशनल मंच पर जो है भारत और ये देश दोनों ही जो है हिस्सेदारी लेता है या साझेदारी है। तो दोस्तों एक ऐसा संस्था है जो ESC हो, या कह सकते हो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो शंघाई में वो स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर जो है ये किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, रशिया और भी देश जो चाइना, ये भी शामिल है। आप ध्यान से देख लीजिए, अफगानिस्तान भी शामिल है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है बैठक हुआ था तब जो है बहुत ऐसा मीटिंग भी हमें देखा गया है जो भारत और किर्गिस्तान के बीच। तो दोस्तों ये देश के अंदर कुछ स्टूडेंट जो है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पर टोपी तैयार किया है, उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। हाँ दोस्तों, ये देश जो है अपना नाम दर्ज कराया है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा टोपी बनाकर। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ, मध्य एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है किर्गिस्तान के संपर्कित सब कुछ, और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।